Good morning, students. This is our Hindi third language class. In this, today we are going to read chapter number 12, Penguin. Chapter number 12, Penguin. Okay? Penguin. इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ये बताया गया है, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैंने कई बार अपने बच्चों के साथ पिंगू और चिल्ली बिल्ली कार्टून देखा है। ये बहुत फेमस कार्टून है, पेंगुइन से रिलेटेड है। एक है पिंगू और एक है चिल्ली बिल्ली। जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मैंने कई बार अपने बच्चों के साथ बैठ के कौन सा कार्टून देखा है, पिंगू और चिल्ली बिल्ली कार्टून। चाहे ये बर्फ पर चल रहे हो, डगमगा रहे हो, नाच रहे हो या लहरों पर अटखेलियां कर रहे हो, ये शानदार पक्षी सभी का मन मोह लेते हैं। चाहे वो लोग कुछ भी करें, जैसे वो चल रहे हो, चलना देखने में भी मजा आता है, डगमगा रहे हो मतलब ऐसे डगमग डगमग कर रहे हो तो भी अच्छा लगता है, फिर नाच रहे हो फिर वो नाचने लगे तो भी अच्छा लगता है, और लहरों पे अटके लिया मतलब जो लहरें होती हैं समुद्र की लहरें उस पर खेलते रहते हैं, आनंद लेते हैं, जैसे हम लोग सर्फिंग करते हैं ना वैसे ये लोग भी उसके साथ खेलते रहते हैं, तो ये देखने में इनको तब देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमेशा इनको जैसे भी देखो तो ये सबका मन मोह लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जी हाँ मैं पेंगुइन की ही बात कर रही हूँ। ये एक ऐसा जलीय जीव है जिसका आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बीतता है, ठीक है। लेखक कहती हैं कि मैं पेंगुइन की ही बात कर रही हूँ जिनका कि आधा जीवन कहाँ बीतता है, धरती के ऊपर, ठीक, और आधा जीवन महासागरों में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आओ, क्या लिखा है। पेंगुइन विशेष रूप से अंटार्कटिक में पाए जाते हैं, मतलब स्पेशली पेंगुइन कहाँ मिलते हैं, पाए जाते हैं, अंटार्कटिक। इनकी कुछ प्रजातियाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, और कुछ स्पीशीज इनकी, इसीलिए कह रहा है कुछ प्रजातियाँ, कुछ स्पीशीज इनकी ऑस्ट्रेलिया में, कुछ न्यूजीलैंड में, कुछ दक्षिण अमेरिका में और दक्षिण अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। पेंगुइन की पीठ काली होती है और पंखों के साथ अगला हिस्सा सफेद होता है। पेंगुइन की पीठ कैसी होती है, काली होती है, ठीक है, और पंखों के साथ अगला हिस्सा सफेद, और जो सामने का हिस्सा होता है फ्रंट, वो पंखों के साथ पंख जो इधर होंगे और वो सारा सफेद होता है, ठीक है। पेंगुइन या तो अपने पैरों के सहारे चलते हैं या बर्फ पर अपने पेट से फिसलते हैं। पेंगुइन तुम लोग ने सबने देखा है, तो देखा ही होगा टीवी में या कहीं पे भी, वो अपने पैर के बल पे ही चलते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, पेट के बल पे बर्फ पे स्लिप करते हैं। खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए वे एक साथ अपने दोनों पैरों से कूदते हैं, और खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ मतलब ऊपर ऊपर चढ़ना है खड़ी खड़ी, तो वो लोग क्या करते हैं, तो अपने दोनों पाँव के साथ एक साथ जंप करते हैं, फिर जंप करते हैं, ऐसे कर करके वो लोग ऊपर पहुँचते हैं। पेंगुइन के पंखों की मोटी परत होती है, पेंगुइन के पंख कैसे जो होते हैं ना उसके ऊपर एक मोटी लेयर होती है, परत की इंग्लिश होती है लेयर, तो जो पंख मोटी लेयर होती है उनके पंखों के ऊपर जो उन्हें पानी में गर्म रखती है, जो उन्हें जितना भी चिल्ड वाटर हो जितना भी ठंडा हो वो लोग जब भी पानी में वो उन्हें गर्म ही रखती, कभी भी ठंडा नहीं करती है। वे अक्सर गर्म होने के लिए झुंड में
इकट्ठे होते हैं। जब एक साथ खड़े होते हैं ना अपने आप को गर्म रखने के लिए, वो लोग अलग अलग नहीं एक साथ झुंड में खड़े रहते, तब उन लोग को क्या ठंडी कम लगती है। और बारी बारी से अपनी जगह बदलते हैं ताकि प्रत्येक पेंगुइन को गर्माहट वाली जगह मिले। ग्रुप में खड़े हैं एक साथ, फिर थोड़ी देर बाद जगह चेंज होती है ताकि सबको बारी बारी से बीच में गर्म वाली जगह मिले, फिर जो किनारे है वो बीच में आता है, फिर बीच वाला किनारे, ऐसे ऐसे करके वो लोग अपनी जगह बदलते रहते हैं। इससे सभी पेंगुइन इनको गर्माहट मिलती है। पेंगुइन अपनी असामान्य रूप से सीधी अजीबोगरीब चाल और मनुष्य से कम डरने के कारण दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। ये क्यों फेमस है? लोकप्रिय बोला है ना, लोकप्रिय का मतलब फेमस है। पेंगुइन क्यों फेमस है? पेंगुइन अपनी असामान्य रूप से सीधी, मतलब जनरली होता है जो जनरल नहीं है उसे असामान्य रूप से सीधी, मतलब हमेशा सीधे अजीबोगरीब चाल सीधे चलते हैं और बिल्कुल अलग ढंग की चाल चलते हैं। जैसे हम लोग पैदल चलते हैं वैसे नहीं, वो लोग सीधे चलते हैं और अलग ही तरीके से चलते हैं। इसके लिए और मनुष्य से कम डरने के लिए, और मनुष्य लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, इस कारण से ये दुनिया भर में बहुत ही फेमस है, मतलब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक, नेक्स्ट, पेंगुइन अपने पानी में बहुत गहराई तक देख सकते हैं। पेंगुइन की आंखें कैसी दी है भगवान ने कि जब वो पानी में जाए तो बहुत गहरे बहुत डीप अंदर तक वो देख सकते हैं, परंतु हवा में वो बहुत दूर तक नहीं देख सकते। लेकिन अगर बहुत तेज हवा चल रही हो, जब वो लोग बर्फ के ऊपर खड़े, तब वो लोग बहुत दूर तक नहीं देख सकते। उनके पंख ही उनके हाथ हैं, जो पंख हैं वही उनके क्या है, हाथ है, उन्हीं से वो लोग काम करते हैं। वे तैराकी करते हुए छोटी मछलियों एवं मन जलीय जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। जब वो लोग पानी में उतरते हैं, वहाँ पे तैरते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उसे खाते हैं, और दूसरे अन्य जलीय जीव जलीय जंतु मतलब पानी में रहने वाले दूसरे कोई जंतु उनको वो खाते हैं, वही उनका भोजन है। ये पृथ्वी के अनोखे जीवों में से एक है। ये एक तरीके से बहुत ही अलग ढंग के अनोखे, बहुत ही विशेष स्पेशल टाइप के जीवों में से एक है। जितने भी पृथ्वी पे जीव है उनमें से जो एकदम अलग थोड़ा सा स्पेशल वैसे टाइप के जीवों में से एक है। यहाँ तक मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, सबको समझ में आ गया। अब देखो इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे, वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। अटखेलिया मतलब चुलबुलापन व चपलता, मतलब थोड़ी थोड़ी बदमाशी नॉटीनेस। ये विशेष मतलब खास, फिर है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब हरेक, हरेक के पास होना चाहिए। फिर अजीबोगरीब, अजीबोगरीब का मतलब अनूठा व विचित्र, ठीक है। फिर जलीय, जलीय मतलब जल में रहने वाला, जल में रहने वाला चाहे वो जंतु हो चाहे दूसरा प्राणी हो, उनको जलीय जीव कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रजाति, प्रजाति मतलब संबंधित जाति, इनसे रिलेटेड कोई भी स्पीसीज मतलब संबंधित जाति। असामान्य जो सामान्य ना हो, विशेष हो, स्पेशल हो, असामान्य मतलब जो सामान्य नहीं हो, जनरल ना हो, ये विशेष हो। फिर है लोकप्रिय, जो बहुत से लोगों को प्रिय हो, ठीक है, जो लोगों के बीच में बहुत फेमस हो, जो बहुत लोगों को प्रिय हो, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, लोकप्रिय। तो आज तुम लोग ने क्या पढ़ा, पेंगुइन चैप्टर पढ़ा। इससे हम लोग को पेंगुइन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अब तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या पढ़ाया, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग को लर्न करना है, ठीक है।
वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न करना और इससे रिलेटेड जो भी और दूसरी एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर और जो भी चीज़ें हैं, इन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और करेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू।